तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन उनके भैरू भी आज से हम आपको मिलाने वाले हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव सिंघल है। संजीव सिंघल जी, केजरीवाल जी जिस तरह काम कर रहे हैं, आप उनके समर्थक हैं, क्या कुछ कहेंगे? अभी तक कैसा काम किया है उन्होंने? जी बहुत अच्छा काम किया है, देश के प्रधानमंत्री केजरीवाल जी बनेंगे और हमारी जो आम आदमी पार्टी है वो देश की नंबर वन पार्टी बनी है। और मैं 10 साल से कार्यकर्ता हूँ आम आदमी पार्टी में। जिस तरह से आपका बताया जाता है कि केजरीवाल की एलजी से नहीं बन रही है, क्या लग रहा है कभी बनेगी? 24 से पहले बन सकती है? देखिए, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार जो काम करना चाहती है, वहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा जो एलजी बिठाए गए हैं और उसमें अवरोध पैदा करना, आप देख ही रहे हैं जब से दिल्ली सरकार आई है, हमारी आम आदमी पार्टी आई है, तो हमारी आम आदमी पार्टी को, हमारे जो दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनको पूरी तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा। और एलजी साहब का जो अवरोध है वो ठीक नहीं है, उनको मिलकर के काम करना चाहिए। अब जिस तरह से अध्यादेश को वो सुप्रीम कोर्ट का नहीं माना गया है केंद्र की ओर से, कैसे देखते हैं, क्या लोकतंत्र की जगह राजतंत्र आने वाला है देश? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो पूरा देश मानता है, जो न्याय करती है सुप्रीम कोर्ट पूरा देश मानता है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अध्यादेश लेके आना ये बिल्कुल गलत है। ऐसे तो कोई भी अध्यादेश ला सकती है गवर्नमेंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर जब आठ साल केस चलने के बाद जब दिल्ली सरकार की जीत हुई, आम आदमी पार्टी की जीत हुई, और उसके ठीक 8 दिन बाद अध्यादेश लेके आ गए और जो है सारा कानून जो है वो वापस ले लिया। वो हुआ इसलिए क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियाँ चल रही हैं, अब सुप्रीम कोर्ट जब लगेगी दोबारा तो फिर इसमें फिर प्रोटेस्ट दोबारा किया जाएगा और जीत आम आदमी पार्टी की ही होगी। अगर हम बात करें सत्ताधारी सरकार की, तो इन जगहों पर ज़्यादा एक्टिव दिख रही है और पहलवानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री आज तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, क्या कुछ है? देखिए, पहलवानों के मुद्दों पर तो आपको सबको पता है कि वो जो बच्चे हैं वो न्याय मांग रहे थे और तो कुछ नहीं कर रहे थे वो शांतिपूर्ण तरीके से। तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए था उनको न्याय के लिए, जो भी पॉस्को एक्ट में जो लगी थी धाराएं लगी थी, तो उसमें केंद्र सरकार को मतलब आगे आना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने सुना नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं। और जो कि बच्चे जो हैं, जो उनको सिर्फ न्याय मांग रहे थे और वो न्याय मांगने के लिए ही तो आगे आए थे, तो ये बिल्कुल गलत हुआ उनके साथ। और बाकी तो दिल्ली केंद्र सरकार और जो दिल्ली पुलिस है वो उस मामले में तहकीकात कर रही है। अगर हम महिला सांसदों की बात करें बीजेपी की, तो पहले वो तमाम मुद्दों पर सामने आती हुई दिखती थी, लेकिन अब अगर बात करें मीनाक्षी लेखी भागती हुई नज़र आ रही हैं, स्मृति ईरानी धमकाती हुई नज़र आ रही हैं रिपोर्टर्स को, क्या कहेंगे? देखिए, जो ये इस तरीके की जो बातें हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए। ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, यहाँ पे इस तरह से नहीं होना चाहिए कि भाई वो भागती हुई नज़र आ रही है, फिर वो धमकाती हुई नज़र आ रही है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि देश की जनता ने चुन करके उनको भेजा है, तो जनता सर्वोपरि है। आज अगर चुनाव नहीं है, कल को चुनाव होंगे, तो जनता किसी को भी बैठा सकती है। और अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया, अरविंद केजरीवाल जी ने जितनी भी गारंटियाँ दी सब पर वो खरे उतरे, सारी उन्होंने पूरी करी। तो जो भी जनता चुनती है, जिनको चुनती है, अब जनता के अगर मुताबिक नहीं हो रहा है तो जनता आज तो जो है देख रही है, जनता सब देख रही है, कल किसी और को बिठा देगी। अब एक सवाल आपके रूप से अरविंद केजरीवाल से मैं करना चाहूँगी, 24 के चुनाव को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि अगर ये महारैली का प्रबंध किया गया है तो ये भी 24 की एक रणनीति साबित हो रही है। देखिए, एक सेकंड, देखिए मैं इतना समझता हूँ कि देश को इधर उधर के मुद्दों पर भटकाया जा रहा है। देश का असली मुद्दा क्या है? देश का असली मुद्दा है बेरोजगारी, देश का असली मुद्दा है देश के अंदर कर्जा। जो देश के अंदर जो कर्जा हो रखा है, 2014 में कांग्रेस कितना कर्जा छोड़ के गई थी,
और 2014 के बाद जो 2023 है, भारतीय जनता पार्टी ने कितना कर्जा उतार दिया और कितना बढ़ा दिया। मेरे सुनने में, मेरे जो समझ में आता है, मेरे सुनने में ये आया है कि 6 गुना से ज़्यादा, मतलब लोग तो ये भी कह रहे हैं 16 करोड़ से ज़्यादा, मतलब जो है ना हमारे देश के ऊपर कर्जा हो गया है। तो जब ये कर्जा इतना बढ़ता जा रहा है तो केंद्र सरकार और जो जितने भी, प्लीज़ एक मिनट हाथ उठाइए, अच्छा, तो ये जितना भी कर्जा बढ़ता जा रहा है तो हमारा ध्यान जो है कर्जे पे से हटाया जा रहा है। कर्जा किससे लिया जा रहा है? आम जनता से, टैक्स के रूप में। दूध पे लगा दिया, दही पे लगा दिया, घी पे लगा दिया, मक्खन पे लगा दिया, रोटी पे लगा दिया। तो वो टैक्स जो लगाया है वो टैक्स से ही तो भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं और कर्जे पे कर्जा बढ़े जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि देश की ग्रोथ हो रही है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा देश की ग्रोथ हो कहाँ से रही है। लेकिन अगर आपके विरोधी दलों की बात करें तो उनका कहना है कि मुफ्त की राजनीति देश में कभी कारगर साबित नहीं हुई है और ये चोरी का असली कारण है। दोबारा रिपीट कीजिए क्वेश्चन। मुफ्त की राजनीति जो है आपके विरोधी दलों की ओर से बोला जा रहा है कि मुफ्त की राजनीति कभी देश में कारगर साबित नहीं हुई है, ये चोरी का कारण है देश। देखिए, मुफ्त की राजनीति की जहाँ तक सवाल है, मुफ्त की राजनीति कुछ भी नहीं है, सब आप लोगों का पैसा है जो आप लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि हमें ध्यान देना होगा कि देश का कर्जा कैसे उतरे, देश का टैक्स कैसे उतरे, और सबको मिलकर के साथ आना होगा। सिर्फ मेरे अकेले से या फिर दिल्ली की जनता से, पूरे देश को इकट्ठा होकर के ही सबको, देखिए आगे किसको उतारना है कर्जा, हम लोगों को ही उतारना है। सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, हमें ध्यान देना पड़ेगा हमारे देश का कर्जा कैसे उतरेगा, ये इम्पोर्टेंट है। सीबीआई जैसे तमाम डिपार्टमेंट्स का दुरुपयोग किया जाता है हमारे देश में अब। मैम होता है ऐसा, मगर एक बात बताइए, हमारी बहनें जो कि रेसलाल हैं जो कि जंतर मंतर में बैठे हैं, जिनका जो सांसद है बृज भूषण, उसके बाद चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने पेश भी किया है, उसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अब उनको जो बहनें बैठी उनके साथ, क्या नाम है, पोस्को एक्ट का मुकदमा लगा हुआ है। तो नहीं, हटाया नहीं है वो, इन लोगों ने सफाई करा वो। एक मिनट, उनका काम है, एक मिनट, रिपोर्ट है। उसको एक्ट जो लगा था उन पर 354 बनवाने के दिल्ली पुलिस के जरिए हुआ था। अब उसको एक होने में ही जेल हो सकती है, के लिए वो सांसद है, और छोटे मोटे उस पर अगर मुकदमे लगेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो उन बहनों को न्याय मिलना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट जो है, इधर से पूरा प्रयास किया गया, हमारे जो है जो मोदी जी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पूर्वीशन जिनको जेल होना चाहिए वो बहनों को न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, चलिए ये मुद्दे पर आपने बोला, 9 साल मोदी सरकार के किस तरह देख रहे हैं आप? मैम मोदी जी ने तो विकास कुछ भी नहीं किया है। अच्छा। विकास इसलिए नहीं किया, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, अगर वर्किंग कर रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, अगर उससे 2000 और इन टैक्स वगैरह कोई नहीं, मतलब कोई टैक्स पीरियड करे, इंडस्ट्री बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले हैं वो टैक्स पीरियड करते हैं, जो रिक्शा चला रहा है, ठेला चला रहा है, झल्ली ढो रहा है, अगर नोट बंद होने पे, अगर आप जो बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति है उनका सिस्टम डगमगा जाता है, उससे क्या होता है, जो ऑटोमेटिक आप आके नोट बंद कर दिए, अभी 2000 का नोट बंद कर दिया, तो इससे क्या होता है, जो जीरो लेवल पर लोग हैं उनके बेचारे भूखे मरने लगते हैं। अपने देश में स्थिति बन रही है, और मोदी जी से कोई, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम भी उनकी इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, तो मेरे कहने मतलब उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो बार बार नोट बंद कर दो, उसके बाद जो बैंकों में कितने लोग लाइन में लगे, कितने भाई बहनें, किसी की शादी हुई, शादी नहीं हो पाई, कितने लोग मर गए। लेकिन अब तो उन्होंने समय दिया है ना कि अभी आप चेंज आराम से करा सकते हैं। एक बात बताइए, अगर इनको नोट चेंज करना था तो नोट चलाना ही नहीं चाहिए था, उसमें इनको चलाने क्या बेनिफिट है बताइए ना। अगर आपने नोट क्लोज कर दिया तो उसको क्लोज करके हटाइए आप, जो नोट आपने दोबारा डेवलप किया है उसी को चलने दीजिए, उससे क्या होता है, देश के जो होता है, देश के अंदर जो आदमी काम करने वाला है उसके सारा बजट खराब हो जाता है। अभी आप कहीं काम पे जाओ, जो बड़े व्यापारी लेवल लोग हैं उनके पास जो कहेंगे 2000 की नोट है मेरे पास ले लो, गरीब आदमी 2000 की नोट लेके जाएगा कहाँ? उसका खुला नहीं देंगे, उसको खुला मिलेगा ही नहीं। और हर इस टाइम किसी के पास टाइम नहीं है, हर आदमी बैंक में लाइन में नहीं लगना चाहता, अपना काम धंधे करेगा, बैंक में जाकर लाइन में लगेगा, इसके लिए ये मोदी जी का काम करने का तरीका ठीक नहीं है। तो आप कह रहे हैं उनको अपनी पॉलिसी में चेंज लाना चाहिए। चेंज लाने चाहिए, नहीं जैसे 8 बजे 10 बजे रात में बंद कर दिया, नोट बंद हो गया जी, अब गरीब आदमी कितने के पास पैसा नहीं है, जो यहाँ पे कोई कहाँ से आया, कोई बंगाल से आया, कोई बिहार से आया, वो सब दिल्ली दिल्ली के अंदर कमाने आते हैं,
तो परदेसी आदमी के लिए क्या है, वो तो बेचारा भूखा मरेगा। अच्छा, विपक्षी दल कहते हैं कि मोदी जी सोच समझ के काम नहीं करते, जो सोच में आया एकदम से इम्प्लीमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको अपनी जो उनकी थिंकिंग है ना उसको सोचना चाहिए। मोदी जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ऑटोमेटिक फैसला नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोग उनकी इज्जत करते हैं, मगर ऑटोमेटिक करने से फैसले से क्या होता है, जो जीरो लेवल के लोग हैं अपने देश के अंदर उनको दिक्कतें आ जाती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री को। देखो जी, मोदी जी को देखो, प्रधानमंत्री लेवल पे काम जो कर रहे हैं, चुनाव के अंदर इस टाइम का रोजगार नहीं है अपने, मेन चीज़ अपने जो देश के अंदर है रोजगार। कोई नहीं चाहता ना ऐसा हो, कोई हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं चाहता, आदमी चाहता है कि रोजगार होना चाहिए, देश आगे बढ़े, जो कि अपने देश के अंदर विकास हो, वो चीज़ पे काम नहीं हो रहा है, वो चीज़ पे काम बिल्कुल नहीं हो रहा, बस इसमें हो रहा है हिंदू मुसलमान, ठीक है, मस्जिद मंदिर, ठीक है, राम मंदिर बन रही है, ये 100% बीजेपी करती है और कोई पार्टियाँ नहीं करती। फायदा करेगा बीजेपी को 2024 में? ये नुकसान करेगा बीजेपी को, मोदी जी को लिए नुकसान होगा। ये जो नोटबंदी कर दे रहे हो, जनता इतनी पागल नहीं, जनता सब समझती है, जनता अपने बच्चे का पेट पालना जानती है। जनता अगर कमा रही है, कोई अगर जीरो लेवल के लोग हैं, अगर कमा रहे हैं, आप रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, उसके बच्चे भूखे रहेंगे तो मोदी जी को कोई वोट देगा? मोदी जी को कोई वोट देगा? कोई कहेगा अच्छा काम कर रहे हो? जो पैसे जैसे भी ललित मोदी, बड़े बेरोजगारी दिल्ली है और दिल्ली से ज़्यादा बेरोजगारी कहीं भी नहीं है। हाँ जी, हर बंदा परेशान है और दुखी है। हाँ, गरीब बंदा जो आए हैं देश छोड़ के अपने प्रदेश में कमाने खाने आए हैं, उनको कमाने खाने नहीं देते हैं, रेडी वाला हो, पटरी वाला हो, कोई भी हो, अन्नदाता जैसे गरीब लोग जो मजदूर, उनको कमाने खाने नहीं दे रहे हैं लोग, क्योंकि सारे सरकार, सब पुलिस है, MCD है, जो भी है उन्हीं के हाथ में है।